हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लोहा बनाने की दुनिया के एक अद्भुत सफर पर ले जा रहा हूँ। कभी सोचा है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी लोहा कैसे बनता है? चलो शुरू करते हैं। लोहा आयरन ओर से बनता है, जो असल में पत्थर और खनिज होते हैं जिनसे धातु वाला लोहा निकाला जाता है। लोहा बनाने की प्रक्रिया में एक उच्च तापमान विधि शामिल होती है, जिसे पायरोमेटलर्जी कहते हैं। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले हम आयरन ओर से शुरू करते हैं। इस अयस्क को धरती से खोदकर निकाला जाता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर इस कुटे हुए अयस्क को कोक जैसे अपचायक कारक के साथ मिलाया जाता है, जो कार्बन का एक रूप है। फिर इस मिश्रण को ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? एक विशाल ऊंची मीनार की कल्पना करो, जो बहुत ज्यादा तापमान सहन कर सकती है। ये भट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जादू होता है। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मिश्रण को बहुत तेज गर्मी दी जाती है। हम 1200 से 2300 डिग्री सेल्सियस जितने उच्च तापमान की बात कर रहे हैं। इन भयानक परिस्थितियों में कोक जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है। ये गैस आयरन ओर के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन के अणुओं को बाहर निकालकर और पिघला हुआ लोहा छोड़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ लोहा ही नहीं बनता, एक और उप उत्पाद बनता है, जिसे स्लैग कहते हैं, जो एक प्रकार का कांच जैसा पदार्थ होता है। स्लैग पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। मजेदार बात, स्लैग का उपयोग अक्सर निर्माण और सड़क निर्माण में किया जाता है। एक बार जब हमारे पास पिघला हुआ लोहा आ जाता है, तो इसे ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस पिघले हुए लोहे, जिसे पिग आयरन भी कहते हैं, को फिर अशुद्धियों और कार्बन की मात्रा को दूर करने के लिए रिफाइन किया जाता है। बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे उन लोहे और स्टील उत्पादों में बदल दिया जाता है, जिनका हम रोजाना उपयोग करते हैं। गगनचुंबी इमारतों से लेकर कारों तक, और यहाँ तक कि आपके किचन के फ्राइंग पैन तक, लोहा हर जगह है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि ये सभी उपयोगी वस्तुएं जमीन से खोदे गए साधारण पत्थरों से शुरू होती हैं। तो अगली बार जब आप कोई स्टील की संरचना देखें या किसी धातु के औजार का उपयोग करें, तो आपको उस आकर्षक यात्रा का पता चल जाएगा, जो उसने आयरन ओर से अंतिम उत्पाद तक तय की है। क्या यह मजेदार नहीं है? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना और भी शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।